फोकस फ्यूचर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शरद यादव आप लोगों को जीवन कौशल के बारे में कुछ तथ्य बताए थे और मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा भी की थी। तो हम उसी जीवन कौशल के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। हो सकता है ये आपने पहले पढ़ रखे हों, लेकिन एक बार और जान लीजिए, इससे हो सकता है रिवीजन भी होगा आप लोगों का और आपके लिए फायदेमंद भी है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जैसे कि जीवन कौशल, इस पीपीटी के माध्यम से हम जीवन कौशल को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे कि जीवन कौशल होता क्या है। जीवन कौशल, तो जीवन कौशल में ये निम्नलिखित जानकारी दी गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है जीवन कौशल। जीवन कौशल में आपको मैंने बताया था कि हमें अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ को आसान करने के लिए या अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए जिन जिन कौशलों का हम उपयोग करते हैं वो सब हमारे जीवन कौशल में आ जाता है। चाहे उसके लिए जो भी कौशल का हम यूज करते हैं वो सब हमारे जीवन कौशल में आ जाता है। स्व सहायता समूह के कार्य और गठन, कौशल विकास और सशक्तिकरण, उन्मुखी कार्यक्रम और योजनाएं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जीवन कौशल, जीवन कौशल क्या होता है? जीवन कौशल क्या होता है? जीवन कौशल, अपने लाइफ में, अपने जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य करने का तरीका हमें जीवन कौशल ही बताता है। जैसा कि डेफिनेशन एक दे रखी है कि जीवन कौशल अनुकूल, जीवन कौशल अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार हेतु ऐसी योग्यता है जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना करने में समर्थ बनाती है। कि जो भी चुनौतियाँ होती हैं तो उनको किस प्रकार से हम उनको हल कर पाते हैं और जो भी मांगे हैं, जो समस्याएं हमारे सामने देखने को मिलती हैं तो उनको हल करने का तरीका जीवन कौशल ही बताती है। जीवन कौशल एक आजीवन प्रक्रिया है। आजीवन प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलती है। हम जीवन कौशल का मतलब यही है, पूरे जीवन चलने वाली। हम जीवन के हर पड़ाव पर हम किसी न किसी कौशल का उपयोग करते हैं, तो इसलिए आजीवन प्रक्रिया है। अगर हम लोग या कोई भी बच्चा मान के चलिए, सपोज डेट कोई बच्चा शैशवावस्था में है तो वो चीज़ों को पहले जानने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे बाल्यावस्था फिर युवावस्था में पहुँचेगा, उसके बाद वो युवावस्था के बाद कुछ चीज़ों को समझेगा, कुछ चीज़ों को जानेगा और धीमे धीमे कुछ ना कुछ अनुभव वो सीखता जाएगा और धीमे धीमे पूर्णावस्था में पहुँचेगा तो उन अनुभवों के आधार पर दूसरों का मार्गदर्शन करेगा। तो जो जो चीज़ें उसने जानी और जो जो चीज़ें सीखी और जिन कौशलों के बारे में जाना वो सब आपका जीवन कौशल है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम हर पड़ाव पर जीवन के किसी न किसी कौशल का उपयोग हम जरूर करते हैं जो व्यक्तियों को बढ़ने और परिपक्व होने में मदद करती है। व्यक्तियों को बढ़ने और परिपक्व होने में मदद करती है जो व्यक्तियों को बढ़ने और परिपक्व होने में मदद करती है ठीक है। अब जीवन कौशल के बारे में कुछ हम पॉइंटों के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, देखो जीवन कौशल का जो महत्व की बात की जाए, जीवन कौशल का महत्व, जीवन कौशल का महत्व क्या होता है? अगर इसके महत्व की बात की जाए, महत्व, तो इसका महत्व ये है कि चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए क्षमता का निर्माण करना। अगर हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति है कि उसका हमें समाधान करना है, सामना करना है, तो उसका हम किस प्रकार सामना करेंगे, तो उसी क्षमता का निर्माण करना ही जीवन कौशल का महत्व में आ जाएगा। क्यों? हमें उन कौशलों के बारे में जानकारी होगी
तभी तो हम उसका समाधान कर पाएंगे। निर्णय लेने में आत्मविश्वास विकसित करना, जीवन कौशल किसी भी निर्णय लेने में आत्मविश्वास विकसित करती है, क्योंकि हमने विश्लेषणात्मक एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में पिछली क्लासों में जाना था। जो भी आपको पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, तो उन जैसे कि विश्लेषण क्षमता हो गया, एनालिटिकल थिंकिंग, तो इसके बारे में आप पिछली क्लास को एक बार देख लीजिए, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन संक्षेप में बता देता हूँ विश्लेषण क्या होता है। विश्लेषण सोच क्या होती है, तो एक तरीके से हम किसी भी चीज़ को एनालिसिस करके हम सोचते हैं, मतलब कि इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। जैसे कि मान लो एक प्रश्न है आपके सामने, ताजमहल कहाँ है, तो चार ऑप्शन है आपके सामने, आगरा, मथुरा, दिल्ली और गोरखपुर। इन चार ऑप्शनों में तो हम अगर जानकारी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इसको हम विश्लेषण करेंगे, अरे ये नहीं ये हो सकता है, अरे नहीं मथुरा हो सकता है, अरे नहीं इसका आगरा हो सकता है। तो यही हमारा विश्लेषण कौशल में आ जाता है, इसे विश्लेषण सोच बोलते हैं। तो निर्णय लेने में आत्मविश्वास विकसित करता है जीवन कौशल। हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें आत्मविश्वास जागरूक करेगा जीवन कौशल, और आत्मविश्वास जागरूक करने के लिए हमारे अंदर कुछ कौशल होने चाहिए। ये सृजनात्मक कौशल हो गया, विश्लेषण कौशल हो गया, क्यों हम अलग हट के चीज़ों को देखेंगे तभी हम किसी भी डिसीजन को परिपक्व होकर ले पाएंगे। विद्यमान अवसरों का पूर्णतम उपयोग करने के लिए समर्थ बनाना। विद्यमान अवसर का मतलब है अपॉर्चुनिटीज, 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 क्योंकि हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। देखो जीवन कौशल की शिक्षा क्यों दी जाती है, क्योंकि हम इन कौशलों को सीख सकें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार तो हमारे जीवन में आती नहीं है, एक या दो बार देखने को मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर हमें देखने को मिलती है, विद्वान अवसर का मतलब है अपॉर्चुनिटीज, जिसको पकड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं, को अगर वो हमें देखने को मिलती है तो उसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन को और समर्थ बना सकें, जीवन को और बेटर बना सकें और अच्छा बना सकें। तो ये चीज़ बताता है जीवन कौशल कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, विद्यमान अवसर हैं, तो उनका लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको नौकरी पाने का अवसर मिले तो उस अवसर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या पता वो अवसर आपको दोबारा मिले ना मिले। तो अपॉर्चुनिटी, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हमें दिखेंगी, विद्यमान अवसर दिखेंगे, उनको अपनाने ना ही जीवन कौशल का एक पार्ट है, जिससे कि हम अपने उस कौशल से हम अपने जीवन को और बेटर और अच्छा बना सकें। अब भीतर तथा बाहर शक्ति के स्रोतों का पता लगाने में सहायता प्रदान करना। देखिएगा भीतर तथा बाहर, अगर हम अपने नाक कान आँख सब चीज़ खुली रखेंगे तभी हम बहुत से कौशलों को और बहुत सा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे और समस्या को हम सुलझा भी पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर की पावर क्या है उसको जानना, और बाहर वाले व्यक्ति या जो समाज है उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या ज़रूरी है, उसको जानना। इससे क्या रहता है हमारा, इससे भी हमारा जीवन अच्छा रहता है, कि अगर हम ये पता कर पाएंगे कि हमें बाहर किस प्रकार का कम्युनिकेशन करना है, किस प्रकार से बोलना है, तभी तो हम अच्छे से बोल पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे, अच्छे से कह पाएंगे, ठीक है ना। तो भीतर तथा बाहर शक्ति का स्रोतों का पता लगाने में सहायता प्रदान करना। अब स्वस्थ क्षतिकारी व्यवहार को रोकने के लिए विशिष्ट जोखिम की स्थिति में इनका इस्तेमाल करना। देखिएगा कभी कभी हम ऐसा किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हमें ये लगता है कि इसमें हमारी हानि होगी, उसके बाद भी हम उस डिसीजन को लेते हैं, उस निर्णय को लेते हैं, क्यों उसका कारण ये है, हो सकता है वो सामूहिक लाभ के लिए हो सकता है एकमात्र मेरी हानि होने से और लोगों का लाभ हो रहा हो,
या हो सकता है कि ये अभी मुझे अपनी हानि प्रतीत हो रही हो और आगे के लिए मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करें। जैसे कि समझ सकते हैं कि हम सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो सोचते हैं क्या लाइफ है, रात में पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, फिर दिन में पढ़ो, पूरे दिन पढ़ना ही है। तो ये हमें अभी के लिए जोखिम भरा लग रहा है, लेकिन आगे हमारी लाइफ सुनहरी होने वाली है। वो सुनहरी कब होगी? जब हम अभी से जोखिम को उठा पाएंगे, जान पाएंगे। हम यही कह के यही कहने लगें कि इतना कंपटीशन है, हम फाइट नहीं कर पाएंगे, पहले से हार मान लें तो हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। कहते हैं ना, वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो व्यक्ति खुद अपने आप से जीत पाता है। अगर हम अपने आप से हार जाएंगे तो हमें कोई भी आगे हरा के चला जाएगा। हमें अपने आप से नहीं हारना है, ठीक है? ये जीवन कौशल के महत्व, तो इनके बारे में जीवन कौशल हमें बताता है। तो कोशिश यही करनी है, जो भी हमें अवसर मिले उस अवसर का हम पूर्ण लाभ उठाएं, और कहाँ हमें किस प्रकार की बात करनी चाहिए उसका भी हमें जानकारी जीवन कौशल में मिलती है, निर्णय लेने में मदद मिलती है, और कहाँ हमें क्या जोखिम उठाना उठाना चाहिए उसकी जानकारी भी हमें जीवन कौशल ही देता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो जीवन कौशल क्लियर हो गया, जीवन कौशल का क्या महत्व रहता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका जीवन कौशल के अंतर्गत निम्न शामिल है। अब इसमें आपका सामाजिक कौशल, चिंतन कौशल, सामान्य कौशल। सामाजिक कौशल और चिंतन कौशल और सामाजिक कौशल और सामान्य कौशल डालने का मेरा मतलब केवल ये था कि मैं इसको आपको थोड़ा विस्तृत रूप से समझा पाऊँ कि सामाजिक कौशल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो उसके बारे में अगर हम अच्छे से जान लेंगे तो इससे संबंधित हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। जीवन कौशल आपका 10 मार्क्स का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और 10 मार्क्स हमें 10 में से 10 ही लाने हैं, 9 भी नहीं लाने। अब 10 में से 10 हम जब ही ला पाएंगे जब इन चीज़ों को हम अच्छे से विस्तृत रूप से समझेंगे। चलिएगा, तो हम एक एक करके सारे कौशलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है हमारा सामाजिक कौशल। देखो, सामाजिक कौशल के अंदर आत्म जागरूकता, आत्मज्ञान, आत्म जागरूकता, आत्मज्ञान। तो अगर हम अपने आप को जान पाएंगे कि मतलब कि हम हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, मजबूतियां क्या हैं, तो तभी तो हम दूसरों को इससे प्रेरित कर पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि इस पर हमें क्या करना है। जैसे कि मान के चलिएगा कोई ऐसा सब्जेक्ट है हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमें मालूम है उसमें तो हम कर लेंगे, तो जो सब्जेक्ट जो विषय हमारे कमज़ोर हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए ना। क्यों, जो हमें अच्छे से आता है, स्ट्रॉन्ग है, उसे तो हम कर ही लेंगे। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं या कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम कर ही नहीं सकते। तो जब जिस काम को हम कर ही नहीं सकते तो उसमें समय व्यर्थ ना करके जिस काम को हम कर सकते हैं उस काम को करना। जैसे कि मान के चलिए कोई डांस अच्छा कर लेता है। हाँ, वो डांस अच्छा कर लेता है क्योंकि उसे डांस करना बहुत अच्छे से आता है और उसका लगन है उसमें। और कोई व्यक्ति चाहते हुए भी डांस अच्छा नहीं कर पाता, तो जब वो कर ही नहीं पा रहा है तो उसमें कितना ही प्रयास करेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। कोई अच्छा खेल लेता है, कोई अच्छा गा लेता है। तो हम अपने आप को जानेंगे कि हम क्या चीज़ अच्छे से कर लेते हैं, क्या चीज़ अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जिसको नहीं कर पाते हैं, अगर उसमें हमारी रुचि है तो उसको करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो यही हमारा आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान और आत्म जागरूकता। मतलब अपने आप को जानना, आत्मज्ञान का मतलब अपने आप को जानना, आत्म जागरूकता का मतलब है अपने आप को प्रेरित करना, आत्म जागरूक होना। परानुभूति, परानुभूति क्या होता है? दूसरे व्यक्तियों को जानना। जब हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे तो दूसरे व्यक्ति को क्या जान पाएंगे? जब अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि हमें क्या चीज़ अच्छे से आती है, क्या हमारे कमजोरियां हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रेरित कर पाएंगे? तो परानुभूति का मतलब है दूसरे व्यक्ति को जानना। तो पहले हमें अपने आप को जानना है, तभी हम दूसरे व्यक्ति को जान पाएंगे या एक तरीके से उसको निर्देशित कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है, हमें अपने आप को जानना ज़रूरी है। परानुभूति का मतलब है दूसरों को जानना।
ठीक है, दूसरों को जानना या दूसरे की कंडीशन में अपने आप को रखकर उसे सॉल्व करने का प्रयास करना, तभी हम दूसरे को उसके बारे में ज्ञान दे पाएंगे। ठीक है, प्रभावी संचार, प्रभावी संचार, प्रभावी संचार, ये हमारा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में प्रभावी संप्रेषण के बारे में पढ़ा था कि हमें अपनी बात ऐसे रखनी चाहिए कि जिससे कि दूसरे व्यक्ति को बुरा ना लगे, ठीक है ना। हमें उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को कष्ट हो। तो प्रभावी संचार या प्रभावी संप्रेषण का मतलब ये है, बिना आहत किए हुए अपनी बात रखना या संप्रेषण करना। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बिना आहत किए किसी व्यक्ति की भावनाओं को बिना आहत किए अपनी बात रखना, ही प्रभावी संचार होता है, प्रभावी संप्रेषण होता है। अगर हम अपशब्द बोलते हैं अपने समाज में, तो क्या हम सामाजिक व्यक्ति कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। कोई हमें अच्छा नहीं मानेगा, कोई हमें आदर्श नहीं मानेगा। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम इस प्रकार का संप्रेषण करें या इस प्रकार का संचार करें, इस प्रकार की के शब्दों को बोलचाल में शामिल करें जो आदर्श शब्द हो, नैतिकता का ज्ञान दें हमें। उसके बाद है अंतर्व्यक्ति संबंध। देखिए अंतर्व्यक्ति संबंध क्या होता है, अंतर्व्यक्ति संबंध, देखो अंतर्व्यक्ति संबंध का मतलब होता है कि दूसरे के व्यक्तित्व को जानना, कि दूसरा व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, किस टाइप का है, कि उसके सामने किस प्रकार के विचार रखने चाहिए। मान लीजिए, मान लीजिए हम लोग अभी 17,000 जो वैकेंसी हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने अनाउंसमेंट की, उसकी तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग 17,000 में अपना अपना स्थान बना पाएँ, 17,000 में अपना अपना स्थान बना पाएँ। तो आप लोग जॉब पा जाओगे, तो कुछ हमारे ऐसे साथी रहेंगे वो जॉब नहीं पा पाएंगे। तो हमें क्या करना है, उन्हें प्रेरित करना है। ऐसा नहीं करना है कि खुद जॉब पा गए उनसे बोलो कि अब तुम्हारी जॉब नहीं लग पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है, कि ये नहीं है। तो इससे क्या होगा, वो हतोत्साहित हो जाएगा। तो हमें उसके व्यक्तित्व को जानना है, हमें उसके व्यक्तित्व को जानना है कि व्यक्ति किस प्रकार का, उसे उस प्रकार से प्रेरित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपकी जॉब लगती है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे को भी प्रयास कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ना कि उसे हतोत्साहित कीजिए। तो अंतर्व्यक्ति संबंध का मतलब यही है। यहाँ पर समझौता वार्ता, जब हम किसी निष्कर्ष पर ना पहुँच पाते हैं, सोचते हैं चलो हाँ इस प्रकार से ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा, तो वही हमारा समझौता वार्ता में आ जाता है। हम किसी निश्चित डिसीजन पर ना पहुँच पाएँ या कोई इस प्रकार का डिसीजन प्रोड्यूस हो कि दोनों पक्षों को आपस में समझौता करना पड़े या दो व्यक्तियों को आपस में समझौता करना पड़े, तो वो आपका समझौता वार्ता में आ गया। ठीक है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो उन्होंने समझौता कर लिया, अब हम आपस में बातें नहीं करेंगे, हम आपस में बातें नहीं करेंगे, बनती नहीं है तो बात ही नहीं करेंगे, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे नहीं लगते हैं, बनती नहीं है, आपस में बात नहीं करेंगे, ये इसी में आ जाएगा समझौता वार्ता। तो हमारा सामाजिक कौशल ये था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सामाजिक कौशल के बारे में जानकारी मिली होगी। तो जीवन कौशल के अंतर्गत ये निम्न शामिल है, सामाजिक कौशल, चिंतन कौशल, सामान्य कौशल। ठीक है, देखो चिंतन कौशल, चिंतन कौशल में आपके दो आलोचनात्मक कौशल और सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन कौशल और सृजनात्मक चिंतन कौशल। पहले हम आलोचनात्मक की बात करेंगे। तो आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी कोई बात कह दे तो हमें उसकी बात को सीधे से स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस कंडीशन में अपने तर्कों, तर्क के हिसाब से कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो किसी निर्णय पर हम पहुँचते हैं, तो हम उसका निर्णय स्वतः मानने की जगह एक बार विचार करना चाहिए, वही उसकी आलोचना होगी, कि विचार करना चाहिए कि इसे ऐसे ना करके ऐसे कर लिया जाए। तो यही आपका आलोचनात्मक कौशल में आ जाएगा। और अगर बात करते हैं सृजनात्मक चिंतन कौशल, तो सृजनात्मक का मतलब है, सृजन का मतलब है निर्माण या नए, हम सबसे अलग हटके, सबसे अलग हटके सोचना ही आपका
सृजनात्मक में आ जाएगा, नए तरीके से सब लोगों से अलग हट गए, भिन्न तरीके से सोचना ही आपका सृजनात्मक चिंतन में आ जाएगा। उसके बाद हम डिसीजन ले पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे, क्या उचित निर्णय होगा, क्या उचित निर्णय नहीं होगा। जीवन कौशल होता कुछ नहीं है, हम जो जिन जिन कौशलों का हम जीवन पर्यंत उपयोग करते हैं ना, उन्हीं के बारे में गहनता से जानकारी इसमें दी जाती है। अब देने का तरीका हमारा ये है, और देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज के समय में जो नई पीढ़ी है तो उसको इसकी जीवन कौशल की जानकारी होनी चाहिए। आगे समस्या का समाधान, और जब हम इन सबको अच्छे से कर लेंगे तो समस्या का समाधान भी पूर्णतः कर सकते हैं। और सामान्य कौशल, सामान्य कौशल में आपका आएगा जूझने, सामना करने के कौशल। मान लो कोई समस्या है आपके सामने है, तो उससे जूझने का मतलब उसको सामना करिए, तभी तो समस्या का समाधान कर पाओगे। तो उसमें आ जाएगा आपका तनाव से जूझना, भावनाओं से जूझना। देखो तनाव तो आज के समय में आम बात हो गई, हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ में स्ट्रेस जरूर लेता है, तनाव जरूर लेता है, तनाव नहीं लेना चाहिए। जैसे कि एक कहावत कही जाती है, चिंता मत करो चिंतन करो, तो हमें चिंतन करना चाहिए उस तनाव से दूर हट के, हमें उसका सामना करके हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, उस समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है, अब किन किन हम कौशल का यूज करके समस्या का समाधान कर सकते हैं, सृजनात्मक हो सकता है, आलोचनात्मक हो सकता है, इन कौशलों का उपयोग करके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, विश्लेषणात्मक हो सकता है। ठीक, और दूसरा भावनाओं से जूझना, भावनाओं से जूझना, जैसे कि किसी की फीलिंग को ना समझ पाना, किसी की फीलिंग को ना समझ पाना। अगर हम दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे तो दूसरे के व्यक्ति को हम कैसे प्रेरित कर पाएंगे, सही दिशा कैसे दिखा पाएंगे। तो भावनाओं से जूझना, हमें उसकी भावनाओं को समझना है जिससे कि हम उसे सही दिशा दे सकें। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने सबसे पहले बात की थी आपके सामने आत्म जागरूकता, आत्मज्ञान क्या होता है। तो आत्मज्ञान व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के चरित्र की शक्तियों और कमजोरियों को समझने का सामर्थ्य है। मैंने आपको बताया था ना, आत्मज्ञान अपने स्वयं की शक्तियों और कमजोरियों को समझना ही आपका आत्मज्ञान है, उसका सामर्थ्य है कि हम किस तरीके से अपनी कमजोरियों को और अपनी शक्तियों को समझ पा रहे हैं। जैसे कि मान के चलिएगा आप सब लोग कॉलेज स्टूडेंट रहे होगे, तो कॉलेज टाइम पे सब लोगों ने किसी न किसी एग्जाम में नकल जरूर की होगी। सबकी बात नहीं कर रहा, किसी ने की होगी किसी ने नहीं की होगी। तो हम जब नकल करते हैं ना, चीटिंग करते हैं, तो चीटिंग करने से क्या रहता है, इस तरीके से हम इस कौशल को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, आत्मज्ञान वाले कौशल को ख़त्म इसलिए कर देते हैं कि अगर हम चीटिंग करेंगे तो हम जान ही नहीं पाएंगे हमारी कमजोरी क्या है, हमारी शक्तियाँ क्या है। चीटिंग करके अगर हम कोई काम करेंगे तो चीटिंग करना गलत है, गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे तो हम सफल कभी नहीं हो पाएंगे। हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे तो हम अपनी जो कमजोरियाँ होंगी उनको दूर कैसे कर पाएंगे। शक्तियाँ जो हैं हमारी सो है तो हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को दूर किस प्रकार कर पाएंगे। तो उसके लिए अपने आप को जानना जरूरी है, और अपने आप को जानने के लिए हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, या कोई भी एग्जाम या कोई भी टेस्ट या कोई भी चीज़ वो हम जब ही कर पाएंगे जब हम अपने आप को जानेंगे, अपनी कमजोरियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आत्मज्ञान कौशलों में निम्न संबंधी सामर्थ्य शामिल है। पहला है व्यवहारगत शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना, कि कौन सी हमारी शक्तियाँ और कमजोरियाँ हैं उसको पहचानना कि क्या क्या है। तो ये हमारी पावर है, ये हमारी वीकनेस है, जो वीकनेस है उसे हमें सॉल्व करना है। कि हमें गणित नहीं आता है, गणित में हमें अच्छा करने का प्रयास करना है, तो हमने कमजोरियों को जाना ना। जब हमने कोई एग्जाम पार्टिसिपेट किया तभी तो हम जान पाए कि ये हमारी कमजोरी, इसमें प्रश्न हमारे गलत हुए, तो उस सब्जेक्ट को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है स्वयं के सामर्थ्य, इच्छाओं और नापसंद को पहचानना। हमारे सामर्थ्य क्या है, हमारी पावर क्या है, कैपेसिटी क्या है हमारी। तो स्वयं के सामर्थ्य को जानना और हमारी इच्छाएं क्या है, कि हमें किस प्रकार से क्या हमें बिसिंग रखनी चाहिए, क्या इच्छाएं रखनी चाहिए,
इच्छाओं का तो कोई अंत होता नहीं है कि हमें इस कंडीशन में क्या क्या इच्छाएं रखनी चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से, ठीक है। और नापसंद को पहचानना, क्या हमें चीज़ पसंद नहीं है, कि हम उसको पहचान पाएंगे, ये चीज़ पसंद नहीं है तो उसका हम उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अगला पॉइंट है, वही मैंने बताया था, आत्म जागरूकता, आत्मज्ञान, उससे ही संबंधित है सारे। आप लोग भली भांति परिचित हो गए, उन वास्तविकताओं को पहचानना जिन्हें बदला नहीं जा सकता और उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको कि उन वास्तविकताओं को पहचानना कि जिन्हें बदला नहीं जा सकता, स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर हम डांस अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, हम मान लो इस बात को, हर कोई डांस अच्छा नहीं कर पाता है, हर कोई गाना अच्छा नहीं गा पाता है, हर कोई अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाता है, हर कोई अच्छा फुटबॉल नहीं खेल पाता है, ठीक है ना। तो जिसको हम अच्छा नहीं कर सकते तो उनको हम स्वीकार करें, ना कि उसके पीछे पड़े हैं कि नहीं कर पा रहे तो करना ही है, करना ही है, ठीक है। स्वीकार करें, उस काम को करने की कोशिश फिर दोबारा ना करें। अपने महत्व को पहचानना, सभी लोग एक समान नहीं होते तथा विविधता का होना अच्छा है। मान लीजिए आपका दोस्त किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है तो जरूरी ना आप भी उसमें अच्छे हो सकता है आप किसी और फील्ड में अच्छे हो, वो किसी और फील्ड में अच्छा हो, तो विविधता तो है ही है। आज के समय में हर एक व्यक्ति का आप क्लोन भी बना दोगे तो वो भी उसके समान नहीं होगा, विविधता होती है हर व्यक्ति में अपनी स्वयं की, तो ये विविधता होना अच्छी बात है। अपने महत्व को पहचानना, सभी लोग एक समान नहीं होते हैं, तो इसको लेकर तनाव में नहीं रहना है। अपने स्वयं की विशिष्ट योग्यताओं को पहचानना, अपने स्वयं की जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं उनके बारे में जानना ही आत्म जागरूकता, आत्मज्ञान। मतलब कौन सी ऐसी स्पेशल पावर है जो हमें आगे, मान लीजिए आगे की लाइफ के लिए, हमें लाइफ सक्सेसफुल बनाने के लिए काम आ सकती हैं, कौन सी स्पेशल पावर है। अरे भाई हमारा GS अच्छा है, हमें एग्जाम में ये पास करा देगा, नौकरी लगवा देगा, कि हमारा मैथ अच्छा है, किसी की अंग्रेजी अच्छी है, तो विशिष्ट योग्यताओं में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का मोटिव केवल यही था कि आप लोग इसको अच्छे से जानो, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। कि हम अपने आप को किस प्रकार जान सकते हैं और कैसे जानते हैं और क्या क्या हमें उसमें देखना है, कि हम लोग क्या करते हैं। कि जीवन कौशल देखो इसलिए महत्वपूर्ण बनता है, कि मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, मैं तो आपके सामने सीधे बोलता हूँ, ये इतना अच्छा टॉपिक है ना, इसे आप पढ़ोगे ना अपनी ज़िंदगी में, जीवन में शामिल करोगे तो इससे आपको सफलता भी मिलेगी। इतना इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण इसलिए बनता है क्योंकि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम नहीं जान पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो भी उसको हम मतलब कि करने का प्रयास करते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्हें करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और भी ऐसे बहुत सी बातें हमें जानने को मिलती हैं। तो ये वैसे देखा जा रहा है लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रभावी संचार, प्रभावी संचार, इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना। प्रभावी संचार क्या होता है? अपने विचारों को मौखिक या लिखित रूप से स्पष्ट व्यक्त करने का सामर्थ्य संचार को प्रभावपूर्ण बनाता है। स्पष्ट व्यक्त करना प्रभावी संचार होता है। स्पष्ट व्यक्त करना कि दूसरे को बात समझ में आ जाए, दूसरे को बात वो समझ में आ जाए। प्रभावी संचार कौशल रोजाना के अनेक मुद्दों और सुलझानों और अंतर्व्यक्ति संबंधों को सुधारने में काफ़ी उपयोगी है। प्रभावी संचार या प्रभावी संप्रेषण से संबंधित, जैसे कि ये महिला दिख रहा है आपको, ये महिला इन दो महिलाओं को समझा रही है, पहले ये दूसरी के, इसको ये महिला उसे समझा रही है कि ये ऐसे करो, तो यही इसका प्रभावी संचार हो गया, स्पष्ट रूप से अपनी बात कहना और रखना दूसरे के सामने, जिससे कि उसको वो बात समझ आ सके, तो ये प्रभावी संचार हुआ। ये तीनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये महिलाएं है, इन दोनों को समझा रही है, तो ये आपका प्रभावी संचार हुआ, ठीक है। उसके बाद अंतर्व्यक्ति संबंध, अंतर्व्यक्ति संबंध कौशलों में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का सामर्थ्य रखता है। सौहार्दपूर्ण मतलब मधुर, मधुर कब बनेगा? जब हम दूसरे को जानेंगे, दूसरे की आवश्यकताओं को समझेंगे। अंतर्व्यक्तिक संबंध कौशल हमें ऐसे
लोगों के साथ सकारात्मक तरीके से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। जैसे हम बातचीत करते हैं, अब बातचीत करके ही तो दूसरे को जान पाएंगे, दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे। बातचीत करेंगे तभी तो जानेंगे उस व्यक्ति को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। अगर उससे बातचीत नहीं करेंगे, उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो उसके साथ कैसे जुड़ पाएंगे? जुड़ाव कैसे आएगा लोगों के साथ? जुड़ाव जब भी तो आएगा उस, हम जब लोगों की फीलिंग को समझेंगे, उसको जानेंगे। जब तक उसको जानेंगे नहीं, तो कैसे हम अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है समझौता वार्ता या नेसोगिएशन। देखो, समझौता वार्ता नेसोगिएशन मैंने ये इसलिए शामिल किया है, अगर मैं समझौता वार्ता बोल दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये होता है, लेकिन कई कई एग्जामों में नेसोगिएशन के नाम से भी प्रश्न आया है, फिर उसमें कन्फ्यूजन का पार्ट ये बनता है कि नेसोगिएशन होता क्या है, नया शब्द देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर शामिल करने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ये चीज़ यहीं क्लियर हो जाए कि समझौता वार्ता को हम नेसोगिएशन बोलते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे, भली बात ही से, समझौता वार्ता में दूसरे के विचारों को सुनने और उनका सम्मान करने का सामर्थ्य शामिल है। जब दूसरे के विचारों को सुनेंगे, उनका सम्मान करेंगे, वही हमारा समझौता वार्ता होगा। ये तभी तो हमारा समझौता जो होगा वो सफल होगा। समझौता वार्ता की शैली दो आयामों पर निर्भर करती है, पहला अपना सरोकार और दूसरा दूसरों के लिए सरोकार या संबंधों की चिंता। मतलब अपना सरोकार स्वग्राही हठधर्म की, जैसे कि मान लो दो व्यक्तियों में समझौता हो रहा है, दो व्यक्ति हैं उसमें समझौता हो रहा है कि इस काम को ऐसे करना है, ये व्यक्ति कह रहा है नहीं इसे ऐसे ही करेंगे और तुम्हें इसके लिए राजी होना पड़ेगा, तो हो सकता है वो राजी हो जाए तो समझौता सफल रहेगी, और हो सकता है वो राजी ना हो तो समझौता असफल रहेगी। जैसे कि दिल्ली और यूपी में समझौता हुआ कि भाई ऐसा करो कि हमें, यूपी ने बोला कि आप हमें बिजली दो हम आपको पानी देंगे, ये समझौता हुआ। तो हो सकता है समझौता में यूपी की शर्त रही हो, यूपी ने कह दिया हमें इतनी बिजली मिलेगी तब हम इतना पानी देंगे। तो ये इससे संबंधित है स्वग्राही हठ धर्म, ठीक है, और दूसरा दूसरों के लिए सरोकार या संबंधों की चिंता, सहयोगात्मक को। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जब भी समझौता वार्ता सफल होती है, जब दोनों लोग, दोनों पक्ष एक तरीके से सहमत हों, अग्राहिता और सहयोगात्मकता की एक डिग्री के आधार पर एक व्यक्ति, एक डिग्री के आधार पर एक व्यक्ति है ना, अग्राहिता का मतलब होता है आगे बढ़ चढ़कर, आगे बढ़ चढ़कर हमें काम को करना अग्राहिता है। ठीक है, उसके बाद अगला है सफल समझौता वार्ताओं की कुंजी। देखो, अगर हमें सफल समझौता वार्ता करनी है तो सबसे पहला काम है योजना बनाना और तैयारी करना है कि किस प्रकार से समझौता क्या रखनी चाहिए, क्या योजना रहेगी और उन्हें किस प्रकार से क्या बात कहनी है। तो योजना बनाएंगे, तैयारी करेंगे, तभी जान पाएंगे। और दूसरे व्यक्ति के सामने उसके सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, ना कि नकारात्मक। नकारात्मक रख दो कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, तो दूसरा व्यक्ति कैसे सहमत होगा? नहीं होगा ना सहमत। ध्यान पूर्वक सुने, और जब पहला पक्ष कोई बात कह रहा है उसको हम ध्यान पूर्वक सुन पाएंगे तभी समझ पाएंगे वो कहना क्या चाह रहा है। उसे सुनेंगे नहीं तो नहीं जान पाएंगे। दूसरे के निर्णय का सम्मान करें, अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो उसके निर्णय का हमें सम्मान भी करना चाहिए। स्ट्रिक्ट रहें लेकिन मित्रवत रहें। मित्रवत रहने का मतलब स्ट्रिक्ट रहें, स्ट्रिक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कि तुरंत ही अपनी बात से पलट जाएं। और मित्रवत का मतलब है इस प्रकार से भी माहौल में बनाकर रखना है कि जो पक्ष सम्मिलित हैं वो अपनी बात कह सकें, जान सकें। मित्रवत रहें, प्रेरित करें लेकिन दबाव ना डालें। समझौता में क्या रहता है कि एक उसके लिए जो समझौता वार्ता जब भी सफल होगी या दोनों लोग सहमत हो जाएं, तो उसके लिए मोटिवेट तो करना है लेकिन प्रेशर नहीं डालना है कि हाँ नहीं ऐसा करना ही है। अब मान लो यूपी राज्य नहीं हो रहा पानी देने के लिए, दिल्ली बोल रहा है ना तुम पानी दो, पानी दो, जरूरी दो पानी, है ना। तो ये चीज़ है,
कभी भी धमकी नहीं दें, समझौता वार्ता में धमकी नहीं देना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ये करा देंगे वो करा देंगे, तो वो काम नहीं करना है। पारस्परिक सहमति का लक्ष्य रखें और जीत का नहीं, दोनों लोग सहमत हों उस प्रकार से समझौता होनी चाहिए और विश्वास जगाएं, ठीक है, विश्वास जगाएं। तो ये समझौता वार्ता रही आपकी नेगोशिएशन कौशल, ठीक है। अब अगला है आपका आलोचनात्मक, आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन किसी स्थिति में उचित प्रकार से सोचने, लाभ और हानियों का आकलन करने की क्षमता, ताकि स्थिति में समुचित निर्णय लिया जा सके कि इस स्थिति में मतलब कि हमें क्या करना चाहिए। मान लो किसी ने आपके ऊपर कोई डिसीजन दे दिया कि ये करो, फिर आप लोगों को ऐसा ना है कि उसको तुरंत मान लो, अगर हमने मान लिया होता ना तो हम आज़ाद नहीं होते, हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलामी रहता, अंग्रेज़ों ने कह दिया कि हमारा ही शासन चलेगा, तुम जो कर पाओ वो कर लो। तो हमारे भारतीयों ने क्या किया कि उसे क्या किया मतलब कि उसकी लाभ और हानि होगा जाना कि मतलब अगर ये शासन करेंगे तो हमें लाभ तो कुछ होना नहीं है, हानि होगी, हम अपना शासन बनाएंगे, अपना संविधान बनाएंगे। तो उसमें उन्होंने आकलन किया, उसके बाद उन्होंने नए तरीके से सोचना शुरू किया कैसे हम अंग्रेज़ के शासन को जड़ से हटा सकते हैं। तो आपका सृजनात्मक चिंतन में आ जाएगा, अलग हटके, लोगों से हटके नए तरीके से सोचना, अलग ढंग से सोचना आपका सृजनात्मक चिंतन हो जाएगा। महिलाओं के लिए आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन कौशलों का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें विविधतापूर्ण और विवादास्पद मुद्दे, संदेशों, प्रत्याशों और मांगों का सामना करना पड़ता है। देखा ही होगा कि कोई कोई भी महिला होती है किसी लिए परेशान रहती है, कोई महिला होती है ऐसा रहता है कि उसके ससुराल वाले उस पर जुल्म ढाते हैं, कोई घरेलू हिंसा का शिकार होती है, तो उस कंडीशन में उसे किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, तो ये बहुत आवश्यक है। बहुत से मुद्दे होते हैं, कुछ समाज ऐसे हैं अभी भी 21वीं शताब्दी में जो नहीं चाहते कि महिलाएं पढ़ें, तो वो भी उनके सामने, महिलाओं के सामने बड़ा मुद्दा है। तो उस कंडीशन में महिलाओं को अच्छे से सोचना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है, कि हम किस प्रकार से इस कंडीशन में क्या डिसीजन लेंगे, कि डिसीजन हमें उस प्रकार से लेना चाहिए जिससे कि दूसरे व्यक्ति को भी वो चीज़ बुरी ना लगे। अब मान लीजिए कोई परिवार है, कह रहा है कि हम अब नहीं पढ़ा पाएंगे, कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे अभी इस समय, हमारे पास पैसों का अभाव है। तो उसके तरीके हो सकते हैं, तरीके ये हो सकते हैं कि अरे पैसों का अभाव है तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ना हमें ज़रूरी है और हानि ये, लाभ ये है हमारे लिए कि पढ़ना जरूरी है और हानि ये है कि वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो उसको हम आकलन करेंगे, फिर सोचेंगे ऐसा ना करें कि हम अपने से खुद कमाना शुरू करें, ट्यूशन पढ़ाएं या कोई दूसरा काम करें जिससे कि हम पढ़ सकें, ठीक है। निर्णय लेना, निर्णय लेना एक ऐसी योग्यता है जो उपलब्ध समस्त सूचनाओं का इस्तेमाल कर हमें किसी स्थिति का आकलन करने, लाभों और हानियों का विश्लेषण करने तथा संसूचित और व्यक्तिगत चुनाव करने में समर्थ बनाती है। कोई भी डिसीजन लेंगे तो हम क्या करेंगे, समस्त सूचनाओं का इस्तेमाल करेंगे, जो जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो जो विकल्प हमारे पास हैं उसका इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे, इससे इसको आकलन करेंगे, जानेंगे कि अगर हम ये डिसीजन लेंगे उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, उसके बाद हम उचित डिसीजन पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। जैसे कि लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया, अगर मान लो अभी तो नहीं है, आगे जाके लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया, अभी केवल नाइट कर्फ्यू है लिया गया, सरकार सोचे कि हम क्या डिसीजन लें, किस प्रकार से लें जिससे कि व्यापारी वर्ग को हानि ना हो, किसान वर्ग को हानि ना हो, तो वो सब एक डिसीजन मेकिंग में होगा, वो अपने उच्च अधिकारियों की बैठक करेंगे और प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छा डिसीजन लें। समस्या का समाधान, समस्या का समाधान कठिन या चुनौतीपूर्ण स्थितियों का पता लगाने और उनका सामना करने और उनका समाधान ढूंढने में सामर्थ्य होता है।
जब भी हम उसका स्थिति का पता लगा पाएंगे, हम समस्या को जानेंगे। समस्या का समाधान करने से पहले समस्या को जानेंगे, समस्या क्या है। ठीक है, किसी समस्या कठिन के लिए मात्र 5 क्यों प्रश्न समस्या के कारण का पता लगाने में सहायता प्राप्त करते हैं। मात्र 5, अगर क्यों प्रश्न का मतलब है इस कंडीशन में क्या किया जाए, तो उस कंडीशन में वो समस्या को समाधान करने में सहायता प्रदान करते हैं। क्यों इस चीज़ को लागू करें, इस प्रकार से 5 क्यों प्रश्न पूछिए अपने आप से, तो वही समस्या समाधान करने में सहायक होंगी। क्यों प्रश्नों की श्रृंखला किसी भी समस्या के संबंध में अंतर्दृष्टि उपलब्ध करा देती है, और एक बार समस्या के कारण समझ में आ जाए तो उसका समाधान करना सरल होता है। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, ये हमने क्यों किया, तो ये प्रश्नों को अपने आप से पूछिएगा, तभी हम समस्या का समाधान कर पाएंगे। ठीक है, 5 क्यों प्रश्न ही काफ़ी हैं समस्या को सॉल्व करने में। उसके बाद आ गया है आपका सामान्य कौशल। सामान्य कौशल जूझने के कौशल में आ गया। सामान्य कौशल हमने पढ़ा था ना, उसके बारे में हम जान रहे हैं जूझने का कौशल, जैसे कि तनाव से जूझने का, तनाव का सामना करने का। तनाव किसी अप्रिय स्थिति के प्रति शरीर की अनुक्रिया। कोई भी अप्रिय स्थिति, जो मतलब जो स्थिति हमें अच्छी ना लगे वही तनाव है, जो स्थिति हमें अच्छी ना लगे वही तनाव है। अगर हमें पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हमारे लिए तनाव है। हम ये सोचने लगे वो व्यक्ति तो यार देखो वहाँ घूम रहा है, हमारा दोस्त वहाँ घूम रहा है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर दिन और रात पढ़ रहे हैं, भविष्य का ही कुछ पता नहीं, सफल हूँ नहीं हूँ, तो स्ट्रेस में आ गए, तनाव है अपने। हम क्या करते हैं, अप्रिय स्थिति हमें बहुत कम देखने को मिलती है, हम खुद अपने प्रिय स्थिति को अप्रिय बना देते हैं। ठीक है, भावनात्मक भी हो सकता है,